आइए अब हम जुड़ रहे हैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष पटेल से और उनसे जानते हैं कोरोना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। डॉक्टर आशीष पटेल जी, आपका आकाशवाणी के इस प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद आशीष जी। आप इस समय जो है मेडिसिन विभाग MY के जो हॉस्पिटल हैं उसमें कार्यरत हैं और कोरोना वार्ड में आप अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह की आप ड्यूटी दे रहे हैं उसमें मरीजों में किस तरह के चेंजेस आते हैं, जब पेशेंट आपके पास आता है तो उस वक्त उनकी क्या स्थिति रहती है और कैसे धीरे धीरे उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे गए हैं जिनमें बहुत जल्दी इस वायरस ने अटैक किया और उसके दुष्परिणाम सामने आए हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पेशेंट्स जब वार्ड में रहते हैं तो उनमें उनकी मन स्थिति क्या रहती है और किस तरह से आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है? जब मरीज वार्ड में आते हैं तो उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और अधिकांश मरीजों में जो ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है और मरीज जो है वो काफी डरे हुए रहते हैं और काफी चिंतित भी होते हैं। उनकी जो स्थिति होती है उसमें कई बार धीरे धीरे सुधार आता है परंतु कुछ मरीज तेजी से बिगड़ जाते हैं। यानी हर ये जो वायरस है हर व्यक्ति पर अलग तरह से रिएक्ट करता है? हाँ जी, अधिकांश मरीजों में, मतलब अगर हम माने तो 100 में से करीब 80 मरीजों में तो ये साधारण सर्दी खांसी की तरह आता है और चला जाता है। करीब करीब 20% ऐसे होते हैं जिनमें समस्या थोड़ी सी ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात जानना चाहेंगे हम। मेरे एक परिचित हैं, उनके फादर कोरोना से पीड़ित हैं, एडमिट हैं। उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि उनके फादर बता रहे थे कि उनको गर्म पानी दिया जा रहा है, वो कोल्ड ड्रिंक्स मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में AC या कूलर या कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ तक सहयोग करेंगे और या किस तरह से रिएक्ट करेंगे? इस तरह की कोई रिसर्च नहीं है अभी तक जो ये बता सके कि इनसे फायदा होता है या नुकसान होता है जी। तो हमें जो अपनी सुविधा के हिसाब से हम कूलर या AC चला सकते हैं जी, 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 ठीक है। परंतु अगर कोई मरीज जो कि कोरोना से पीड़ित है और उसके आसपास अगर हम कूलर चलाते हैं तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, तो हवा अंदर की तरफ ना आके बाहर की तरफ जानी चाहिए जी। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मन में कूंदता है और बहुत आम प्रश्न है और शायद हर व्यक्ति के मन में ऐसा होता है, मन में ये धारणा होगी कि कोई कोरोना से संक्रमित है और उसने किसी को छू दिया, किसी दीवार को भी छू दिया तो लंबे दूरी तक जो है वो संक्रमण फैल जाएगा, तो इसका रेडियस कितना होता? मतलब जैसे एक टेबल है 10x10 की, अगर उसको छुआ तो क्या पूरी टेबल पर वो फैल जाएगा, उससे लगा पूरा कमरा उसमें जो वायरस संक्रमित हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे छुआ गया है सिर्फ उसी जगह पे रहेगा और अगर उस जगह को कोई दूसरा व्यक्ति छूता है तो वो उसके टच करने से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वायरस एक जगह से चल के दूसरी जगह चला जाएगा। अच्छा, ये बड़ी राहत वाली बात है। मतलब मन में ये धारणा रहती है कि अगर किसी ने इसका दीवार को भी छू लिया तो उससे लगी हुई सभी दीवार जो है वो पूरी संक्रमित हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पर हमें जो सबसे ध्यान देना चाहिए कि एक तो खांसते और छींकते समय जो है चेहरा कवर होना चाहिए, क्योंकि जब खांसते हैं या छींकते हैं तो जो मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो करीब करीब 6 फीट के दायरे में फैल सकती हैं, जिनको कि हम देख नहीं सकते हैं जी। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन का तरीका रहेगा वो ये है कि हम खांसते या छींकते समय मुंह पे कपड़ा रखें, ठीक है। और दूसरा कि हाथों को हम बार बार धोते रहें ताकि हम जहां भी टच करें तो ये वायरस हमारे हाथों से होते हुए दूसरी सतह पे ना जाए जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे जहन में समय कौंध रहा है। जैसा कि संजीव जी ने कहा, एक डर तो आपने दूर कर दिया कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी सॉलिड स्थान को छू रहे हैं, किसी प्लेस को छू रहे हैं तो वो कोरोना आप में आ जाएगा और सब में फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताइए कि ये जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपने कहा कि थोड़े डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो इसी तरह की स्थिति तो उनके परिवार वालों की भी होती है, और जब परिवार की बात आती है तो उनका परिवार या
या आपका परिवार, परिवार सभी का परिवार है, तो अगर हम आपके परिवार की बात करें तो आपके परिवार में किस तरह की स्थिति है आपको लेकर, क्योंकि आपकी भी काफी लंबी ड्यूटीज चल रही हैं। जी, जब भी मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो मैं घर नहीं जाता हूँ, क्योंकि इस बात का डर मुझे भी रहता है कि मैं अपने साथ इन्फेक्शन लेके घर में ना पहुंच जाऊं, और छोटी बच्ची है और कभी वो मानी कभी नहीं मानी, अगर मेरे पास आई और अगर मेरे पास इन्फेक्शन रहा तो मुझे भी डर रहता है कि कहीं उसको इन्फेक्शन ना लग जाए। तो सबसे पहले आके मैं जो करता हूँ कि सारे दरवाजे खुले रखने के लिए बोलता हूँ, मैं ड्यूटी से आके और सीधा बाथरूम में जाता हूँ, नहाता हूँ, सारे कपड़े साफ करता हूँ और अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही बाहर निकलता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखूं। सर, कितने समय से आप अपने परिवार से और बिटिया से नहीं मिले हैं? 7 दिन हो गए हैं मुझे। सर, अब छोटी बच्ची है, कैसे कंट्रोल होता होगा मन में कि बच्ची का भी और आपका भी। वैसे डॉक्टर काल से बात कर लेते हैं। जी जी। और बेटी तो घर आने के लिए बोलती है, परंतु ऐसे समय में जा नहीं सकते, जा नहीं पाते। डॉक्टर साहब, सोशल डिस्टेंसिंग की बात बड़े ही जोर शोर से कही जा रही है और अधिकतर लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके चलते लोग सोशल अनसोशल हो गए हैं। जरा सा कोरोना की बात अगर मन में आती है कि नहीं इस परिवार में कोई कोरोना सस्पेक्ट हो सकता है तो उससे हम लोग बायकॉट कर देते हैं, तिरस्कार करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि खांसने या छींकने से करीब 6 फीट के दायरे में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फैल जाते हैं, तो हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जो भी लोग हैं वो कम से कम 6 फीट की दूरी मेंटेन करें। जी जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा हम टेलीफोन से बात कर सकते हैं और उसमें तो कोरोना का कोई रिस्क है नहीं। जी जी। डॉक्टर साहब, जो ये समय है इसमें अपने आप को मजबूत रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कहीं ना कहीं एनर्जेटिक रखना, अपने आप को सकारात्मक की ओर लेके जाना। हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त कोई गीत जो आप सुनना चाहें और हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहें तो उसके बारे में बताएं प्लीज। एक गाना है जो कि इस समय के लिए उपयुक्त होगा, रुक जाना ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, तू कहीं हार के। जी, किशोर कुमार जी का। जी जी, ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। डॉक्टर आशीष पटेल, MJM मेडिकल कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर, इंदौर, आपने आकाशवाणी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए।